watch me break it. वेलकम बैक टू डिस्कस निंजा। वेलकम निरंजन भाई। गणेश भाई, सबसे पहले डिस्कस निंजा फैमिली, व्यूअर, सब्सक्राइबर और बाकी सभी व्यूअर्स की ओर से गणेश भाई आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे गणेश भाई। थैंक यू निरंजन भाई, गॉड ब्लेस यू सर। थैंक यू, थैंक यू। सो गणेश भाई, आज वैसे मैं आपको बर्थडे विश करने ही आया था, लेकिन आपका जो ये स्टॉक देख के मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया कि जो आपका जो स्टॉक है, आपने वैसे बोला ही कि आधे से ज्यादा तो स्टॉक आपका बुक ही है, फिर भी जो गणेश भाई का नाम है मार्बल किंग, तो क्यों है वो आज आप सभी व्यूअर्स को मालूम पड़ेगा गणेश भाई की क्वालिटी की वजह से। देखो निरंजन भाई, मेन तो क्या क्वालिटी मेंटेन रहना जरूरी है। जी जी, क्योंकि आज के टाइम पे आज आप देखोगे तो मेरा फिश एकदम एक्टिव है, क्योंकि मैं ज्यादा करके पार्सल साइज में कस्टमर को देता हूँ, जितने भी जो रेजर्स है जी जी मुंबई में, मुंबई के अदर बाहर, उन लोग को प्रोवाइड करना मेरा काम है, जितना भी पार्सल साइज आता है जी। हाँ, और मेन क्वालिटी मेंटेन है जी जी, क्योंकि उनके फिन्स, टेल्स और बाकी जितने भी कुछ भी चीजें रहते हैं, उन लोगों में एकदम प्रॉपर फिट साइफन इफन परफेक्ट रहता है, और इतना हेल्थी फिश रहता है ना, तो कस्टमर आज अगर बुक करता है तो मैं उसको एक महीने तक का टाइम देता हूँ। ओके, तो एक महीने के बाद उस लोग को क्वालिटी मालूम पड़ता है कि क्या क्वालिटी है जी जी, क्योंकि क्या है खुद ही रेस करके, खुद ही बढ़ा करके वो चीज में ब्रीड करता हूँ जी जी, तो तभी जगह मैं क्वालिटी मेंटेन करता हूँ, क्योंकि अगर मैं बाहर किसी मार्केट से लेके आया तो उधर से 1760 वैरायटी का वायरस भी आ सकता है जी जी, इसके लिए खुद ही बड़ा करो और खुद ही रेस करो, फिर उसके बाद मालूम पड़ता है कि क्वालिटी क्या होता है जी जी। तो गणेश भाई, बिना टाइम वेस्ट किए आप कौन से टैंक से स्टार्ट करते सर? देखो सबसे पहले तो ये स्कार मार्बल एंजल है, स्कार डायमंड और स्कार मार्बल मिक्स है। ओके, आप देखो कितना हेल्थी पीस है, हाथ के ऊपर करो तो पूरा हाथ के इधर ही आ रहे हैं जी जी जी। हाँ, इन लोगों चार टाइम फीड है। ओके, हाँ क्या साइज रहेगा सर ये? 1 इंच प्लस है। 1 इंच प्लस, हाँ फिन टू फिन है ना, 2 इंच के आसपास ही है। तो सर क्या क्वांटिटी कितना रहेगा सर ये? 1000 पीस रहेगा एक वन टैंक में। ओके, हाँ क्योंकि मेरे को है ना एक टैंक में 1000 ही पीस रखना है, क्योंकि उन लोग के फिन, टेल्स और बॉडी स्टन नहीं होना चाहिए। ओके ओके, तो इस सबसे मैंने सब टैंक में थोड़ा थोड़ा करके ऐसा रखा हूँ। अच्छा, ज्यादा गर्दी करेंगे, ज्यादा गर्दी करेंगे ना तो स्टंट होने का चांस है। ओके ओके ओके, और फीडिंग सर कितना दिन में कितना टाइम देते आप? 4 टाइम। ओके, एक टाइम साइफन? एक टाइम, 2 टाइम साइफन होता है अभी आजकल, क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा है करके ना 2 टाइम साइफन इसलिए करना पड़ता है कि पानी के अंदर जितने भी हम लोग शीट्स करते हैं तो उससे अमोनिया लेवल बढ़ता है जी जी, इसलिए हमको 2 टाइम साइफन करना पड़ता है। अगर इसके अंदर 250 क्वांटिटी या 500 क्वांटिटी रहता था ना तो हमको आज सवेरे साइफन किया तो डायरेक्ट कल सवेरे साइफन कर सकते हैं। ओके, तो मेन वही प्रॉब्लम है कि ज्यादा क्वांटिटी वैसे डबल टाइम साइफन होता है। नेक्स्ट गणेश भाई, ये है हमारे मार्बल एंजल। ओके, क्योंकि अभी थोड़े दिन में मतलब थोड़ा और 1-2 महीने के बाद है ना, तो मैं एक्जोटिक में भी थोड़ा हाथ डालने वाला हूँ। इसमें जेड ब्लैक हो जाएगा, रेड कैप रेड हो जाएगा, कोई एंजल, कोई एंजल होगा, प्लैटिनम भी होगा, जो ज्यादा नहीं वो कम क्वांटिटी में करूंगा। नहीं वही काफी डिमांड है सर। हाँ, ऑफिस लोग की डिमांड ही वैसे करना मैंने मतलब ज्यादा लोग से नहीं, लेकिन कई कम ऑफिस से बात हुआ है, उनको भी चाहिए, तो वो भी गणेश भाई से ही चाहिए ऐसा है। मेन कैसा है ना आज के टाइम पे ना क्वालिटी जरूरी है जी 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 सर, अगर क्वालिटी और हेल्थी पीस की वजह से है ना तो लोग लेते हैं। अभी कितने कस्टमर्स है, कितने व्यूअर्स है आपके डिस्कशन जगह, तो मेरे से हमेशा मछलियाँ मांगते जी जी, ये सर एक तो कॉइन साइज दे दो या तो पार्सल साइज दे दो या तो ब्रीडिंग साइज दे दो। ब्रीडिंग साइज तो मेरे पास ज्यादा अवेलेबल रहता नहीं है, अगर अवेलेबल होता है तो मैं उसका भी वीडियो दे दूंगा। ओके, और मेन सबसे पहली बात है ना कि मछली को फीडिंग कितने टाइम और कितने टाइम से लेकर उसको दाने पे कन्वर्ट करना, वो भी अपने पास अभी होता है। ओके, फिश फीड पे भी अभी कन्वर्ट होना चालू हो गया हमारे पास। फिश फूड में मतलब क्या देते हैं आप सर? जैसे कि ग्रोवेल का फूड आता है। ओके ओके, हाँ जो 0.5 का। ओके, वो भी अभी चालू कर दिया उन लोगों को मछली को, अभी ये साइज के जो है 1.25 इंच का है। 1.25 इंच, हाँ तो इन लोग को ग्रोवेल का फूड खाते हैं आराम से, मतलब 0.5 का। ओके ओके, ये गणेश भाई ये 2 इंच प्लस है, स्कार डायमंड एंजल है। स्कार डायमंड, हाँ
इस टैंक में मिनिमम क्वांटिटी 550 है, 550, पर इसको इतना जल्दी ग्रो हो गया है, ये मिनिमम डेढ़ महीने का साइज है। ओके, इतना हाँ, जल्दी ग्रो हो गया। हाँ, पर इसमें क्या है कि सबसे पहला टैंक मेरा 4 फीट का है, 4 15 12 का, और उसमें इतना क्वांटिटी नहीं रह सकता है। तो अब ये कैसा थोड़ा सा हो गया जल्दी, पर इसको डेली 2 टाइम 3 टाइम साइफन मारना पड़ रहा है, क्योंकि जितना जल्दी हो सके ना। तो ये बुक है क्या? हाँ, ये सब मेरा बुक है। और रही बात तो आप इतना आ गए तो नहीं तो आपको वीडियो मिलना थोड़ा मुश्किल ही था। तो जरूरी था ये मैं वीडियो दे दूँ। मैं भी फोन करने वाला था क्योंकि अभी जाने वाला एक 4-5 दिन में शायद चले जाएगा। मैं सोचा कि जिस दिन जाने से एक दिन पहले मैं बुला लूँ, आज बर्थडे के अवसर पर आप करने खुद ही आ गए, इसलिए अभी और बहुत काम करना ही है। ये काफी लोग बड़े बड़े ब्रीडर मार्बल ही है ना सर? हाँ, ये भी मार्बल ही है। क्या साइज रहेगा? ये भी 2 इंच प्लस है, 2 इंच या 2 इंच प्लस, इसके अंदर सब मिक्स है। ओके नेक्स्ट सर। नेक्स्ट ये जो पार्सल साइज बोलते हैं, थंबनेल रहता है ना, वो साइज है ये। पार्सल साइज बोलते हैं, पार्सल साइज, ये मिनिमम इसके अंदर 800 से 850 रहेगा। ओके ओके हाँ, 850 रहेगा मिनिमम। ये भी सब बुक है क्योंकि मेरे पास ज्यादा करके पार्सल में ही ज्यादा मार्केट में पार्सल का है, क्योंकि उतना स्पेस नहीं है जी अपने पास, और मैं उतना स्पेस रहने के बावजूद मैं ज्यादा काम नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे जॉब भी देखना पड़ता है जी, 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 जी। तो इस सबसे मुझे जितना हो सकता है मैं उतना प्रोवाइड करने का सोचता हूँ। ये गणेश भाई, ये स्कार डायमंड है। स्कार डायमंड, ये भी क्या साइज रहेगा? ये 2 इंच है, 2 इंच पौने 2 इंच था। ओके ओके ओके, बहुत मस्त है ये भी। क्योंकि मेन इसमें 580 पीस है, 4 12 12 काटेंगे 580 पीस है, क्योंकि जास्ती नहीं डाल सकता। इसका भी 2 टाइम साइफन करते हैं। इसका भी 2 टाइम साइफन होता है। अभी भी देखो ना, आज साइफन किया हूँ, इतनी जल्दी गंदगी हो गई है ऐसा। अभी सवेरे एकदम साइफन, रात को एकदम साइफन। फीडिंग में सर क्या ट्यूब इफेक्ट हो? ट्यूब फ्लेक्स फॉर्म। ओके ओके, ट्यूब फ्लेक्स फॉर्म, डैफनिया, डैफनिया ये सब देना जरूरी है। ओके ओके नेक्स्ट सर। ये डॉलर के फीमेल है। फीमेल है सब? हाँ, ये 4 फीमेल है। ओके, उसमें से अभी एक पेयर ने हाल ही में अंडा डाला था। अरे सही है। हाँ, तो कुछ क्वान्टिटी अच्छा ही निकला है। अभी डॉलर भी आपने स्टार्ट किया? डॉलर भी स्टार्ट किया है, काफी अच्छा हैचिंग भी मिला है मुझे। अभी और इसमें 3 फीमेल और लोड है। ओके, अभी वापस और ट्राई करेंगे। सही है ट्राई करना जितने जरूरी है। जी जी जी। जब तक अपन ट्राई करते रहेंगे ना, क्योंकि हम लोग ने इतना सालों से देखा है गणेश भाई, आप एंजल फिश तो देते ही है, उसके साथ बेटा फिश का आपने नॉलेज दिया, ऑस्कर फिश का दिया, फ्लॉगन का दिया, अभी डॉलर, इवन अपना ब्लैक गोस्ट का भी आपने शेयर किया नॉलेज। तो वही सबकी दुआ है सर आपके साथ। सबसे पहले तो जितने भी सब्सक्राइबर है, काफी अच्छा लगता है, मेरे बात भी करते हैं, और सबसे बात है कि उन लोग का इतना अच्छा फोन पे मेरे को रिस्पांस आता है। और मैं भी कभी भी उनको कुछ जवाब देता हूँ ना, वो डायरेक्ट बोलते हैं हाँ सर, तुम एक ही इंसान हो जो हमेशा फोन पे उठाते हो, और हमको कुछ भी चीज का नॉलेज देने जरूरी है। अभी आज के टाइम पे अपना वीडियो देख के काफी लोगों ने आगे बढ़े ही है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं बढ़े। मेरे को बाहर से कहाँ कहाँ से फ़ोन आते हैं, कि दिल्ली से फ़ोन आता है कि सर तुमने इतना अच्छा नॉलेज दिया, ऐसा कोई देता नहीं है। पर और कुछ नॉलेज शेयर होता तो मैं बोला देखो कैसा है, मेरा क्लासेस भी रहता है। ओके, हाँ, तो क्लासेस में आप आके सीख सकते हो, वो भी प्रैक्टिकल में। कैसा कौन से दिन सर? मेरा संडे के दिन रहता है। संडे के दिन, हाँ। ओके ओके ओके, तो मेन कैसा है उसमें मछली का ग्रोथ कैसा रहता है, ब्रीडिंग कैसा करने का, मेल फीमेल कैसा आइडेंटिफिकेशन, जैसा आपने वीडियो में दिया है ना, वैसा इधर प्रैक्टिकल में मालूम पड़ेगा। जी, 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 तो जरूरी है ना सब चीज, क्योंकि एंजल का अलग है, फाइटर का अलग है, फ्लोरन का, ऑस्कर का, सबका अलग अलग चीज है। अच्छा कॉन्सेप्ट हुआ गणेश आपने स्टार्ट किया। क्योंकि क्या होता है, अभी मैं हर दिन तो छुट्टी लेके किसी स्टूडेंट को नहीं सिखा सकता हूँ। जी जी जी। तो संडे संडे एक पर्टिकुलर डे एक पकड़ता हूँ, तो कोई स्टूडेंट रहेगा किसको सीखना है, तो खुद आके जो कुछ फीस रहता है मेरा, ओके, वो देके आप सीख सकते हो। सही है, सही है। मिनिमम 1 घंटे का या आधा घंटे का क्लासेस रहता है। ओके, पर इतना है कि सीखना जरूरी रहता है हर एक चीज। जब तक आप लाइफ में सीखते रहोगे ना, तो हार कभी नहीं मानोगे, और एक टाइम हार मान लिए तो सीखना ही छोड़ दोगे, ऐसा है। सही है। अभी ये मेल है। ओके, ये 3 मेल है।
तीनों मेल है क्या? हाँ तीनों मेल है और टोटल चार मेल है, एक मैंने साइड दूसरे टैंक में रखा है क्योंकि अभी मेरे पास स्पेस नहीं है। ओके आप देख सकते हो सब मेरे टैंक में सब जगह मछली भरा पड़ा है। नेक्स्ट नेक्स्ट ये डॉलर के जैसे मैंने बताया कि एक बैच अंडा डाला था करके डॉलर के बेबीज है। कितने दिन के रहेंगे सर ये? ये शायद 2-3 दिन के रहेंगे। ओके 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 काफी ट्राई किया। 2-3 दिन फ्री स्विमिंग ओके? हाँ फ्री स्विमिंग के 2-3 दिन एक्चुअली 10 साल के बाद मैंने वापस ग्रिड मारा है। अच्छा हाँ पहले काफी करते थे डॉलर? हाँ काफी, जैसे कि शिवराम हो गया, गोल्ड फिश हो गया और शुभम किन हो गया। गोल्ड फिश की 4-5 वेरायटी भी किया हूँ और ये क्या बोलते हैं इसको शिवराम ऑस्कर फ्लोरन एंजल बेटा ऐसा 7-8 वेरायटी मेरे पास उस टाइम पे होता था। okay. तो उस टाइम पे डेफिनी भी मेरे बाजू में था, बहुत सारा मिलता था। तो बाद में फिर थोड़ा सा मैंने उसमें गैप दे दिया, एंजल पे ज्यादा फोकस कर दिया। तो अभी वापस 10 साल के बाद मैंने वापस डॉलर ब्रीड मारा, बट ब्रीड मार के ट्राई था, वो ट्राई पे मेरे को सक्सेसफुल मिल गया। आज क्वान्टिटी मिनिमम वो 780 के ऊपर क्वान्टिटी रहेगा। ये डॉलर का जैसे कि मैंने बोला मेल है, चार मेल का एक तीन मेल उधर रखा था, एक मेल है और ये स्कार डायमंड एंजल है। स्कार डायमंड हाँ, व्हाइट डायमंड और स्कार डायमंड। ओके 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 ये फ्लोरन। ओके ओके फ्लोरन का फीमेल है। हाँ नेक्स्ट सर। नेक्स्ट अभी अपन पेयर का देखेंगे। ओके ये जो इसमें स्कार डायमंड और स्कार मार्बल कैसा पहचाना जाता है? हाँ सर मेरा वही सवाल था एक्चुअली, आप बोल रहे स्कार डायमंड और स्कार मार्बल की है तो कैसे पहचाना जाता है? कैसा है ना, इन लोगों की बॉडी पे अगर अपन लाइट मारते हाँ शायद घबर जाएगा। इन लोगों की बॉडी पे अगर लाइट मारेगा तो बॉडी इन लोगों की चमकती है। हाँ दिख रहे ना? अच्छा, चमक रहे हैं, शाइनिंग आता है तो डायमंड बोलते हैं उसको। जैसे कि अपन हीरा चमकता जैसा चमकता है ना वैसा। और स्कार मार्बल का ये जैसे कि दोनों पेयर मेरे है ना मेल फीमेल है तो दोनों स्कार डायमंड है। और स्कार मार्बल कैसा पहचाना जाता है? जिसका बॉडी प्लेन रहता है उसको कुछ चमकता नहीं है और उसको स्कार मार्बल बोला जाता है। देखो इसकी बॉडी पे शाइन नहीं दिख रहा है, प्लेन है और स्कार मार्बल है। हाँ इसके फीमेल को डायमंड है। ओके ओके हाँ तो स्कार एक्चुअली स्कार मार्बल का वेरायटी और स्कार डायमंड का वेरायटी अलग अलग रहता है। अरे हमारे मार्बल की मार्बल की के मार्बल मार्बल फिन टेल इरेक्शन फीमेल का भी इरेक्शन देखो पूरा का पूरा मेन क्वालिटी मेंटेन जी। ऐसा पीस अगर आपको किधर मिलेगा तो बोल दो क्योंकि मैंने आपको भी एक पेयर मेरे पास है ना सर वही समझ में आता है पेयर गिफ्ट दिया था वो भी पेयर ऐसे ही है सेम टू सेम। ये सर ये स्कार वेल्टेल है। स्कार वेल्टेल हां स्कार मार्बल वेल्टेल भी बोल सकते हैं, स्कार वेल्टेल भी बोल सकते हैं। ओके ओके ये वाला फीमेल है। हाँ ये वाला मेल है। ओके बड़ा साइज में अभी तक तो एक लाइन नहीं किया। ओके पर उसके साथ में जो था उसने एक लाइन किया ये वाला। हाँ इसमें स्कार मार्बल का देखो वेल्टेल जो है ना वो मेल है। ओके नहीं वो फीमेल है और ये मेल है। आगे वाला मेल है। आगे वाला मेल है ये ऑर्डिनरी वेल्टेल है। हाँ फीमेल वेल्टेल है। वेल्टेल का मतलब है कि इन लोग के जो पर रहते हैं और टेल रहते हैं ना टेल और फिन वो लंबे रहते हैं उसका मतलब है वेल्टेल। और ऑर्डिनरी का मतलब है जो नॉर्मल एंजल बोला जाता है ना उसे हम ये बोलते हैं नॉर्मल ऑर्डिनरी एंजल। ओके ये ऑर्डिनरी है। ओके ये गणेश भाई ये भी स्कार डायमंड और स्कार एंजल का पेयर है। ओके अभी उसका एक लाइन हुआ नहीं है शायद दोनों मेल ही लग रहे हैं। दोनों मेल ही okay. वो एक्चुअली टैंक नहीं है तो किधर क्या रखेंगे हम? ये मार्बल वेल्टेल और मार्बल ऑर्डिनरी ये ओके ओके मेल जो है इसका है वेल्टेल का है और फीमेल जो है ऑर्डिनरी की है। ये गणेश भाई ये दोनों मार्बल एंजल है वेल्टेल नहीं है इसमें नॉर्मल ऑर्डिनरी है। और ये दोनों भी वेल्टेल है। अच्छा मार्बल है ना ये भी। इन लोगों की क्वांटिटी मिनिमम अभी स्टार्टिंग में थोड़े छोटे है। ओके 450 के आसपास अंडे लगाते हैं। ओके 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 हां पर हैचिंग एकदम बहुत अच्छा है। जी 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 और किसी को चाहिए रहेगा अभी मेरा अप्रैल के अंदर शायद एंडिंग में
मिल जाएगा। ओके स्टॉक आने वाला है मतलब एक्सोटिक में भी और मार्बल ऑर्डिनरी में भी। ओके ज्यादा करके मैं मार्बल ऑर्डिनरी में करता हूँ क्योंकि उसका रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। ये गणेश भाई ये मार्बल वेल्टेल है। मार्बल वेल्टेल यहाँ पे ये भी वेल्टेल वेल्टेल ओके मार्बल वेल्टेल सब क्योंकि वेल्टेल की वजह से ना उन लोग के बॉडी का फिन बड़े रहने की वजह से उन लोग बॉडी थोड़ा छोटा रहता है। जैसा ऑर्डिनरी एंजल का कैसा बॉडी बड़ा रहता है वैसा नहीं रहता है उनका नॉर्मली थोड़ा सा छोटा रहता है। ये मेल एकदम देखो ना हाँ यार ब्लैक है यार देखो लुक मस्त है। ये मार्बल ही है ना मार्बल वेल्टेल वेल्टेल ये मेल है क्या मेल है। ये गणेश भाई ये इसको मैंने मार्बल एंजल लेना उसके साथ मैंने स्कार डायमंड का फीमेल लगाया। ओके ओके तो क्या आपको क्या आता है 50-50 ओके 50-50 आता है आधा मार्बल आधा स्कार डायमंड स्कार पर एक अपने को क्वांटिटी मिल जाता है कुछ ना कुछ। हाँ हाँ ये मार्बल एंजल ओके ओके दोनों भी मार्बल एंजल। और सर ऐसे ही पूछना था मतलब ये मार्बल पे कभी ऑरेंज रेडिश ऐसा येलो स्पॉट आता है वो एक्चुअली जेनेटिक के ऊपर रहता है वो सब चीज। ओके ओके उसकी अगर पहले का जनरेशन हाँ कोई के साथ क्रॉस हुआ रहेगा ओके 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 या तो किसी ने पॉन्ड के अंदर डाला रहेगा किसके साथ अटैचमेंट फर्स्ट ब्रीड होने के बाद में सेकंड टाइम ब्रीड हुआ मार्बल एंजल के साथ हुआ रहेगा ना कोई का छोड़ के तो तभी वो जीन चेंज होता है। ओके तो तभी होने उसके बाद ऐसा क्या ट्यूबी फेस फॉर्म के लिए हां ट्यूबी फेस फॉर्म के लिए खाली टब है मेरा ट्यूबी फेस फॉर्म इधर है। ओके ओके ये ट्यूबी फेस फॉर्म है एक दिन का फीडिंग है आपका इतना एक दिन का फीडिंग देता है। ओके अभी आधा तो लाइव ही खिला देना लाइव गणेश आप फ्रोजन क्यों नहीं खिला दे क्योंकि मेरे पास फ्रिज नहीं है और मेरे इतने हैचरी के अंदर फ्रिज जाएगा तो मेरा टैंक किधर रहेगा जरूरी है ना। ये गणेश भाई ये स्टार डायमंड एंजल पूरा अरे सही यार कितना क्वांटिटी का है ये 850 बाप रे ये कांगा था 850 ये 1 इंच फिन टू फिन वो परफेक्ट सुपर सुपर परफेक्ट। सब में बोलते ना सब ना वैरायटी के सबसे रखा है किसमें मार्बल किसमें स्कार मतलब मिक्स में रखा है कस्टमर को लगना चाहिए बाबा कुछ अलग अलग वैरायटी मतलब एक ही वैरायटी अलग अलग किस टैंक में रखा है। ये एक्चुअली है ना जो अभी अभी नए पेयर लगे थे ना हाँ। तो उनकी सब हैचिंग एक ही टाइम पे हुए। अच्छा हाँ तो दो तीन पेयर का स्कार डायमंड हो गया हाँ। स्कार मार्बल हो गया और मार्बल वेल्टी हो गया सब मैंने मिक्स कर दिया क्योंकि तो मेरे पास अभी सब टैंक फुल है क्योंकि हाँ। ऑर्डर तो मेरे पास रहता है ये मेरा कंटिन्यू फिक्स ऑर्डर रहते हैं इसमें मिक्स है क्या हाँ तो इसमें मिक्स मैंने कर दिया सब। ये कितना पार्सल साइज हुआ रहेगा नहीं पार्सल से थोड़ा छोटा है थोड़ा छोटा है हाँ ये 10 दिन में तैयार हो जाएगा। इसमें भी क्वांटिटी कितना रहेगा सर 1500 के करीब 1500-1200 के करीब रहेगा। सही है ये गणेश भाई ये 5 डेज हो गए इसको फ्री स्विमिंग होके ओके मिनिमम 5 पेयर के बेबीज है। ओके 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 मिनिमम 5-6 पेयर के बेबीज रहेंगे पेयर छोटा है तो उसकी वजह से थोड़ा क्वांटिटी कम है ओके पर मेरे हिसाब से तो 2500 बच्चे रहेंगे इसके अंदर। सही है पे गणेश ये 7 डेज की बेबीज है ये कौन सा स्कार डायमंड है स्कार डायमंड एक पेयर मेरे लिए इसमें अभी के टाइम पे लकी है कि हर 7-8 दिन या 10 दिन में कंटिन्यू अंडा लगाता है और वो पेयर मैं सेल नहीं करना चाहता हूँ काफ़ी लोग आते हैं मांगते हैं तो मैं नहीं सेल करता हूँ। ये गणेश भाई ये अभी 2 दिन की है बच्चे ये 2 दिन के ये मिनिमम 1200-1500 के आसपास रहेंगे क्योंकि टैंक नहीं है तो मैंने वो पेयर मैंने इधर शिफ्ट कर दिया और उस टाइम में छोड़ दिया। काफ़ी लोग पूछते हैं अभी मेरे भी कितने खाए कस्टमर्स है जितने भी मैं रेजर लोग को देता हूँ ना उन लोग को मालूम पड़ता है कि बाबा हाँ गणेश भाई का उधर माल ले तो भाई सही है देखो कैसा है। सही है मतलब आपके आपका खुद का एक ब्रांड नेम हो गया है आपके नाम से अभी मतलब वो कस्टमर भी भरोसा विश्वास करके अभी तो हाँ वो तो भरोसा मेन भरोसे पे धंधा जी 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 सही बोले और यहीं की ईमानदारी क्योंकि कभी किसी से 2 रुपये ज़्यादा लो तो उसको चीज़ भी अच्छी दो बोल सही बोले और वो सामने लो वो चीज़ मांगने के लिए अपने पास आता है भले से मेरे पास थोड़ा सा कॉस्ट कम रहेगा या ज़्यादा रहेगा पर मेन क्वालिटी है ना बिल्कुल
क्वालिटी जरूरी है। एग्जैक्टली exactly, exactly. और अभी तो मैंने ब्रांचिम का भी आपको जैसे मैं पूछना ही भूल गया, मैं खुद अभी लास्ट 3-4 महीने से आपसे ही ब्रांचिम ले रहा हूँ, काफी अच्छा बढ़िया रिजल्ट है। और अभी पीछे भी देख रहा हूँ, आपने पीछे 3-3 सिम्स के लगा दिए हैं, क्योंकि अभी क्वांटिटी इतना है, अभी ब्रांचिम तो उतना लगेगा ही ना। जी जी जी। तो ब्रांच स्ट्रीम अभी अपने पास चालू हो गया है। ओके। किसी को अगर 100 ग्राम का पाउच चाहिए और 50 ग्राम का भी पाउच चाहिए तो मैं भेज सकता हूँ विद इन मुंबई, विद इन महाराष्ट्र। ओके। तो मेरा कुछ कोरियर का चार्जेस है वो देना पड़ेगा। ओके। और काफी अच्छा रिजल्ट है। ओके ओके। एक टाइम यूज करोगे तो बार बार मांगोगे ऐसा सिस्टम। जी जी। सिर्फ थोड़ा सा कॉस्ट का जो तुम बाहर जो कॉस्ट से लेते हो ना, उससे थोड़ा सा सस्ता भी रह सकता है, महंगा भी रह सकता है, क्योंकि okay, मेरा जो प्राइस है ना, आप अगर व्हाट्सएप पे मेरे को करोगे ना, मैं आपको डिटेल उसका बता दूंगा और कितने घंटे में हैचिंग होता है, कितना परसेंटेज है, वो भी मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। okay. ना, क्योंकि क्या है, कई लोग बहुत ब्रांड के वापरते, कोई लोग कैप्सूल वापरते, कैप्सूल में कितना ग्राम रहता है, 0.10 ग्राम, 10 ऐसा ही कुछ लिखा रहता है, मैंने कुछ देखा है अमेजोन पे, तो उसके अंदर हैचिंग कितना परसेंटेज है वो उन लोग नए लोगों को तो पता नहीं है ना, पर अपने लोगों को अपन मैं बताता हूँ कि सभी लोगों को कि अगर आप ले रहे हो ब्रांचिंग कितने बॉटल में, जैसे कि मैंने वीडियो एक दिन बताया था ब्रांचिंग हैचिंग का DIY प्रोसीजर, तो उसमें कितना परसेंटेज अपन नमक डालना है और वो सब चीज़ डालना है, जैसे कि मैं नरेंद्र भाई को मैं वीडियो भेजूंगा और हैचिंग का प्रोसीजर से लेकर हर एक चीज में डिस्कशन जब बता दूंगा। और काफ़ी हेल्प तो होगी आपको निरंजन भाई की वीडियो से ही, और काफ़ी लोगों को हेल्प हुई है और काफ़ी कस्टमर भी मेरे लेते ही आपकी वीडियो से, कुछ 10-12 कस्टमर है जिनको मेरा वीडियो से लेकर ये भी पसंद है ब्रांचिंग भी, और मछली तो उनको देखना पसंद ही है, इसलिए मैंने बोला कि सोचा ही था उनको फ़ोन करने का। नहीं, मैं सरप्राइज देने ही आने वाला था आपको बर्थडे विश करने। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच गणेश भाई, और आपको ये जन्मदिन की शुभ शुभकामनाएं सभी व्यूअर्स की ओर से। Happy birthday, Ganesh bhai. God bless you. Thank you, Niranjan bhai.